हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना तिवारी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज मैं साबूदाना की चाट बना रही हूं और यकीन मानिए ये बहुत आपको टेस्टी लगेगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये बहुत अच्छा सा फूल गया है। 3 बड़े आलू उबले हुए, इसको भी मैंने ग्रेट करके ले लिया है। सबसे पहले एक बाउल में साबूदाना, ग्रेट किया हुआ आलू, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, और हरी धनिया 1 बंच, इसको भी चॉप करके डाल लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो उसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनके छोटे छोटे लड्डू के आकार के बॉल्स बना लेंगे, जो ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, इस तरीके से। और इनको थोड़े से साबूदाना जो फूला हुआ था उसी में इस तरह से लपेट देंगे। इससे जो ऊपर इसके साबूदाना के छोटे छोटे बूंदे आएंगी वो बहुत अच्छी लगेंगी, क्रिस्पी खाने में भी और देखने में भी बहुत सुंदर दिखेंगी। इसी तरह से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। चलिए आइए अब इनको हम सेकते हैं। इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि इनको हम अपे पैन में सिर्फ 1/2 चम्मच घी से ही सेकेंगे। ये देखिए, ये 1/2 चम्मच घी से पूरे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक जाएंगे। अब हम इनमें ये साबूदाना के बॉल्स रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं, ये एक साइड से पूरे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो गए हैं। हम सारे इसी तरह से चेक कर लेते हैं और ये सभी अच्छे से हो गए हैं। इनको फिर हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। 5 मिनट बाद देखते हैं, ये दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब इनकी हम प्लेटिंग करते हैं, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पुदीने वाली दही सबसे पहले हम प्लेट में इसको डाल देंगे, ऊपर से साबूदाना के बॉल्स रख देंगे, उसके ऊपर से हरी चटनी और ये इमली और गुड़ की खट्टी चटनी भी ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा भुना जीरा और ऊपर से चाट मसाला। आप इसमें पिसा मिर्च भी ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए हम और तीखा इसे नहीं करना चाह रहे हैं। और ये सेब से हम इसे डेकोरेट कर देंगे, लास्ट में पुदीने की पत्ती ऊपर गार्निश कर देंगे। और ये साबूदाना की चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, आप इसको ट्राई करें और इसका एक्सपीरियंस हमें मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।